दमोह जिले के गैसावा थाना अंतर्गत हटा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम भैसा में कृषि बिल के विरोध में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, धरना दिया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान गैसावा थाना पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद ध्यान रखा गया था। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से किसानों द्वारा यह आंदोलन यहां पर किया गया। आज ग्राम भैसा में तीनों कृषि बिल के संबंध में जो है ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन देने के संदर्भ में यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दे दिया गया है। क्या मांगे थे किसानों? वो ज्ञापन में है, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम प्रेषित करवा देंगे वरिष्ठ अधिकारियों के थ्रू। कानून के विरोध में और समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी के लिए हम लोगों ने आज ग्राम भैंसा में समस्त ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर बैठक की और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। उसमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए एवं हम समस्त किसानों को जो उपज उत्पादन हम करते हैं उनके जिनके समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं उनकी खरीदी सुनिश्चित की जाए, समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाए एवं यदि खरीदी सुनिश्चित सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो उसके नीचे समर्थन मूल्य के नीचे बाजार का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत प्रताड़ित है और उसका खर्च नहीं चल पा रहा है। इसलिए हम समस्त किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी भारत सरकार हमें देवे। कितने ग्रामों के लोग यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे समस्त ग्राम भैंसा के लोग गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए माननीय सरकार के प्रतिनिधि आदरणीय सिंह साहब नायब तहसीलदार जी द्वारा हम लोगों से ज्ञापन प्राप्त कर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए ले लिया है और हम अपेक्षा करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि हम लोगों की मांगों पर विचार कर हमें अनुग्रहित करें। कृषि कानूनों में बदलाव एवं वापस लेने हेतु MSP के संबंध में एक प्रदर्शन रखा था जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन नायब तहसीलदार साहब को सौंपा है जो कि राष्ट्रपति महोदय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए प्रेषित किया गया है और शांतिपूर्ण रहा है, किसी प्रकार की कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नजर नहीं है।